हमारी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। जैसा कि पता है आपको, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि का आज है चौथा दिन, और चौथा नवरात्रि का दिन होता है माता कुष्मांडा का। तो माता कुष्मांडा की कथा शुरू करती हैं। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अवाहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा भी आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके सात हाथों में क्रमश कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जाप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुमारी की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुमारी को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है। दैदित्यमान है, इनके ही तेज से दसों दिशाएं अलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अनचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इसलिए भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी अधियों व्याधियों से मुक्त करा देती है और इसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान कराती हैं। अतः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तात्पर रहना चाहिए। तो यह थी आज की देवी कुष्मांडा की कथा। तो मैं नवरात्रि में डेली आपके साथ माता की कथा शेयर करती हूँ और दुर्गा सप्तशती के पाठ शेयर करती हूँ। तो आपको इस तरीके की वीडियो अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पूजा पाठ की, व्रत कथा, सारे त्योहारों की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।